सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीरोधा डीमैट अकाउंट का टीपिन जनरेट करके बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। टीपिन का यूज स्टॉक मार्केट में किया जाता है। टीपिन का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और इसका इस्तेमाल कस्टमर ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। टीपिन को CDSL ने बनाया है और यही इसे मैनेज भी करता है। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। टीपिन 6 डिजिट का नंबर होता है जिसे आप कभी भी चेंज या रिसेट कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं और उसे सेम डे सेल कर देते हैं तो आपको टीपिन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो अगले दिन से वो स्टॉक पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। इसके बाद जब भी आप उस स्टॉक को सेल करते हैं तो आपसे टीपिन एंटर करने के लिए बोला जाता है, यानी कि बिना टीपिन के आप उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब टीपिन जनरेट करना सीख लेते हैं। टीपिन जनरेट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, पैन नंबर और BOID यानी डीमैट अकाउंट नंबर, जो कि 16 डिजिट का होता है। यहाँ मैं आपको जीरोधा डीमैट अकाउंट का टीपिन जनरेट करके बता रहा हूँ। आप ये काम कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ जीरोधा काइट ऐप में आपको BOID कहाँ पर मिलेगी। जब आप काइट ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको यहाँ यूजर आईडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको BOID मिल जाएगी। इसे आप किसी भी पेपर पर नोट करके रख लें। इसके बाद आपको कोई एक ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि हमने यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है और इसमें टाइप करना है cdslindia.com और एंटर करेंगे तो आपके सामने CDSL का ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ EDIS का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट टीपिन और चेंज टीपिन। आप यहां जनरेट टी पिन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपसे BOID और यहां पैन नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो हमने जीरोधा की जो BOID पेपर पर नोट की थी उसे यहां डाल देंगे। यहां पैन नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप यहां रीड कर सकते हैं, OTP इज सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उस OTP को यहां डालेंगे। यदि किसी कारण से OTP नहीं आता है तो नीचे यहां गेट फ्रेश OTP का बटन दिया है, आप इस पर क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हैं। ये देखिए हमारे मोबाइल पर OTP आ गया है। सेम यही OTP हमारी ईमेल आईडी पर भी आया होगा। या तो आप मोबाइल मैसेज में जाकर OTP देख सकते हैं या फिर ईमेल आईडी ओपन करके OTP देख सकते हैं। ये OTP 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम OTP एंटर कर देते हैं। यहाँ OTP डालकर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपका टीपिन जनरेट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप यहां रीड कर सकते हैं, योर टीपिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहां आप देख भी सकते हैं हमें मैसेज के द्वारा टीपिन मिल गया है और यहां ईमेल आईडी पर भी टीपिन आ गया है। इसके बाद अगर आप टीपिन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहां चेंज टीपिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ BOID और यहाँ पैन नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालकर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ न्यू टीपिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ अपनी पसंद का 6 अंकों का कोई भी टीपिन डालेंगे। कंफर्म करने के लिए यहाँ फिर से टीपिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका टीपिन चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टीपिन अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों, अब आप टीपिन जनरेट करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।